साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप सबका भोजन नेशनल टीवी चैनल में। साथियों, आज का मेरा वीडियो है अभी जो वर्तमान में केबीसी में जो बवाल मचा हुआ है उस चीज़ को लेकर के। हाँ साथियों, आप सब जानते होंगे केबीसी में अमिताभ बच्चन जो है कि उसमें एक क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन ये किए थे कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर किस धर्म ग्रंथ को, और उसमें कई सारे ऑप्शन भी दिए हुए थे। आप सबको बता दें, वो ऑप्शन था विष्णु पुराण, ए बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति। जी हाँ साथियों, ये चार ऑप्शन थे। और आप सब एक सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हैं या फिर आप कहीं ना कहीं अध्ययन किए हैं तो आप सबको मालूम है किसका राइट आंसर मनुस्मृति होगा। पर साथियों, आप सब के मन में जहन में ये क्वेश्चन होगा कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी मतलब इस पर बवाल कैसे। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि शूद्र समाज से संबंधित, शूद्र समाज से जुड़ा हुआ मनुस्मृति है। हाँ, इस चीज़ को वैसे लोग जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, पर जो लोग सामाजिक मूवमेंट से नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने इतिहास को जब अध्ययन कीजिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि हमारे साथ जो बदसलूकी किया जा रहा था हजारों वर्षों से या कई साल पीछे के वर्षों से, तो वो सारी चीज़ें मनुस्मृति के आधार पर की जाती थी। सब्सक्राइब टू माय चैनल और बहुजन समाज के लोग अपना सबसे बुरा मतलब चीज मानते हैं कि इससे खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं हमारे लिए, इस देश के शूद्र समाज के लिए। और उस समय जब बाबा साहब कई सारे भाषाओं का जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब वो पढ़ने लगे, शिक्षित हुए, तो उन्होंने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया। और जब उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि उस मनुस्मृति की हकीकत क्या है, उसमें क्या लिखा गया है। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उन्हें लगा कि हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। जब बाबा साहब ने इस चीज़ को पढ़ा तब उन्हें लगा कि शूद्र समाज के लोगों को, ये ब्राह्मण लोग, सवर्ण समाज के लोग पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लेंगे तो ये लोग हकीकत जान जाएंगे कि रियली में इन धर्म ग्रंथों में क्या है, और इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करने लगेंगे। ये डर उनके मन में आज से नहीं, हजारों वर्षों से है, जब से आपका शोषण हो रहा है तब से है। और इन्हीं सभी चीज़ों के डर के मारे ये लोग जो है कि आपको पढ़ने नहीं देना चाहते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जब बाबा साहब ने इस चीज़ का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि यह धर्म ग्रंथ के हिसाब से ही सवर्ण समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग शुरू करते हैं, लिखा गया है वैसा वैसा इन लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। तब बाबा साहब उस समय काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, उस समय के एक बड़े नेता थे और विश्व में काफ़ी उनका उस समय चर्चा था। और उन्होंने इन सभी चीज़ों का फायदा उठाया। और सोचिए साथियों, उस समय ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा वर्चस्व था, इस समय तो कुछ भी नहीं है, जितना उस समय ब्राह्मणवाद का जितना बड़ा वर्चस्व था, इतना बड़ा वर्चस्व आज के डेट में नहीं है। लेकिन उस समय बाबा साहब ने वह मनुस्मृति के प्रति को जला करके और ये साबित किया कि आज से इस देश में मनुस्मृति जैसे किताब या मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आज के बाद नहीं चलेंगे। और ऐसा कुछ उसमें जितना सारा नियम कानून बनाया गया था इन सभी चीज़ों को लेकर के और उसके खिलाफ संविधान में डाले कि ऐसा कुछ अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाता है तो वह कानूनी अपराध होगा। तो सोचिए कि साथियों,
जब बाबा साहब 1947 में संविधान लिखने के दौरान जो है कि इन सभी चीज़ों को वर्णित किए, तब जा कर के इस बहुजन समाज के लोगों का उद्धार हो पाया। तो साथियों सोचिए कि 25 दिसंबर 1927 और आज 2020 कितने वर्ष बीत गए, फिर भी सोचिए कि उन लोगों के अंदर का जो जलन है वो नहीं गया, या कहें तो मनुस्मृति उस समय जलाया गया और धुआं आ रहा है। एक आपको समझना होगा कि अब आप अपने दिमाग से जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जमाना जब था जब ब्राह्मणवाद का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, और आज का जमाना है कि ब्राह्मणवाद उस चरम सीमा पर नहीं है जितना चाहिए, लेकिन फिर भी कम भी नहीं है, अगर कम भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस समय मनुस्मृति जब बाबा साहब ने जलाया तो क्वेश्चन ये आता है कि उस समय ब्राह्मणों ने FIR क्यों नहीं किया, यह एक बड़ा क्वेश्चन है। आज 2020 में केवल एक क्वेश्चन कर देने के एक इस देश के अमिताभ बच्चन जो है कि कहीं ना कहीं एक बड़े हस्ती हैं, और बड़े हस्ती के ऊपर FIR कर देना ये कोई आम बात नहीं है। वर्ष 2020 में धर्म निरपेक्ष कंट्री है, आज़ादी के बाद इसे धर्म निरपेक्ष बताया गया, लेकिन मात्र एक क्वेश्चन कर देने से आप देख रहे हैं कि एक लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा FIR करा दी जाती है। एक इस देश के वह एक्टर, वह कलाकार, वह हस्ती जो कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मानी जानी हस्ती है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें अपना एक बहुत बड़ा चेहरा मानते हैं, वैसे हस्ती के ऊपर FIR करा दी जाती है वर्ष 2020 में। लेकिन सोचिए कि जिस समय ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा वर्चस्व था उस समय बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया, फिर भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके ऊपर FIR क्यों नहीं किया? क्योंकि साथियों उस समय ब्राह्मणवादी लोगों को पता था कि बाबा साहब के ऊपर यदि FIR हम करते हैं तो जितना सारा उनका काल्पनिक ग्रंथ है रामायण महाभारत, आप जितना सारा धार्मिक या काल्पनिक ग्रंथ देख रहे हैं उन सभी चीज़ों को बाबा साहब जला देते, कोर्ट में वो साबित कर देते कि सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिर्फ एक मन और विचार से वैचारिक रूप से इन सभी ग्रंथों को लिखा गया है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो सच्ची घटना है। अगर आप बढ़िया से जानकारी लें या नेट पे सर्च करें तो आप सबको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हर धर्म ग्रंथ के ऊपर FIR किया गया, और हर धर्म ग्रंथ का जो है कि कोर्ट में ये साबित हुआ कि हर धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानी है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और इसी डर के कारण उस समय बाबा साहब के ऊपर FIR ब्राह्मणों ने नहीं कराया, क्योंकि बाबा साहब उस समय एक अच्छे जानकार थे। अगर इन लोगों को मालूम था कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर FIR करते हैं तो सिर्फ एक मनुस्मृति की वजह से ही नहीं, अन्य जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं सारे धर्म ग्रंथों को डॉक्टर अंबेडकर जला देंगे, और फिर हमारा वर्चस्व या हमारा जितना सारा ब्राह्मणवाद फैला हुआ है वो सब नहीं फैल पाएगा और वहीं से रुक जाएगा, यही शातिर दिमाग इन ब्राह्मणों ने लगाया। और सोचिए कि जब आज एक स्टेटों में और केंद्र में जब भाजपा की सरकार हो गई, बहुमत की सरकार हो गई, तो इन सभी चीज़ों को दोबारा से ये ब्राह्मण लोग जो है कि लागू करना चाहते हैं। आप लोग कई बार वायरल वीडियो भी देखे होंगे, इन वायरल वीडियो में बताया जाता है कि इस देश के संविधान को चेंज किया जाएगा और मनुस्मृति के आधार पर यह देश चलेगा, और आप सब शिक्षित होंगे तो जानते होंगे कि हमारे लिए शुद्ध समाज के लिए मनुस्मृति क्या है। तो अब से हर एक लोग को जागरूक होना होगा, हर एक लोग के पास जिनके पास मनुस्मृति और इन सभी चीज़ों को लेकर के जानकारी नहीं है उन्हें बताइए, समझाइए, और सबसे ज़्यादा OBC वर्ग, वह OBC वर्ग जो शूद्र समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिन्हें नहीं पता है कि यह मनुस्मृति क्या होती है, सबसे बड़ा सपोर्ट उनका है, उन्हें समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है
कि ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है मनुस्मृति। और ओबीसी के बारे में भी, उनके बारे में भी बताया जाए, पिछड़ा वर्ग कैसा है, कैसे उनका इतिहास कहाँ से, जो जानकार लोग हैं या फिर जो हमारे समाज की अगुवाई करते हैं, जो अपना मिशन चलाते हैं, वैसे लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप सब अपना कैडर ओबीसी समाज में अवश्य चलाएं। ओबीसी समाज अपना समाज है, सबसे पहले ओबीसी समाज को जगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और ये सभी चीज़ अगर भाजपा के लोग, अगर नरेंद्र मोदी अगली बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसा तो लगता है कि इस देश में मनुस्मृति लागू कर ही दिया जाएगा। जी हाँ, लागू कर ही दिया जाएगा। अगर आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करने से एक एक्टर के ऊपर FIR की जा सकती है, तो इस देश में मनुस्मृति भी लागू की जा सकती है। Hey there. And also press this bell icon. मैं आप सबसे भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या अमिताभ बच्चन को लोगों, ये लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या अमिताभ बच्चन को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और मिलेंगे तब तक नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। जय भीम।